हेलो एवरीवन, जैसा एक पॉइंट देख पा रहे, एक स्टेटमेंट सा लिखा हुआ है, पाथ ऑफ अ क्रिकेट बॉल। तो पाथ ऑफ अ क्रिकेट बॉल जो लिखा है, इसे इसका मतलब क्या है? तो जैसे क्रिकेट बॉल की बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी बातें आती हैं, नहीं तो अभी जैसा रिसेंटली आपने IPL देखा होगा या डिफरेंट क्रिकेट सीरीज चले हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसे टेक्नोलॉजी बहुत आगे आई, तो अभी आप देखते हैं कि भाई आप क्रिकेट बॉल, जब कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है फॉर द सिक्स और द फॉर द फोर, नॉर्मली सिक्स के लिए, तो बॉल की ट्रजेक्ट्री दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, इस तरह से ऐसा नहीं। तो उसमें से आप देख पाते हो कि यार इसने इतनी हाइट गेन की, या थोड़ा ये फ्लैट सिक्स था, या इसने लार्जेस्ट डिस्टेंस किस तरह से ट्रैवल किया, ठीक है। तो इसमें एक जो कॉमन पॉइंट है साइंस के हिसाब से, वो क्या दिख रहा होगा आपको? दैट इज द मोशन, दैट इज नथिंग बट द मोशन। फाइनली अगर ये पिक्चर आपके सामने आता है, आप क्या एनालाइज करते हो? मोशन, मोशन ऑफ द क्रिकेट बॉल, ठीक है। तो आपने मोशन को समझने के लिए जो पॉइंट शुरू किया राइट फ्रॉम द क्रिकेट बॉल, इसके बाद जितने भी पॉइंट्स आएंगे, लाइक अभी आप घर पे बैठे हो, आपको कोचिंग जानी है, आपके घर से कोचिंग का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है सपोज, तो आप कैलकुलेट करते हो यार 10 किलोमीटर है तो मेरे को 25 मिनट्स लग जाएंगे, 10 मिनट्स लग जाएंगे, क्योंकि मैं बाइक में जाऊंगा, मैं कार में जाऊंगा, कार की स्पीड इतनी होगी, फिर हमें रुकना है या एक्सलरेशन है या रिटार्डेशन है या इतना तेज चलेंगे, नहीं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर मतलब राइट फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द पाथ ऑफ अ क्रिकेट बॉल टू, अगर बहुत हाईएस्ट लेवल पे चले जाओ साइंस के लिए, तो अगर हम लोग ऐसा देखें, दिस इज आवर लार्जेस्ट एक्सलरेटर, अभी आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा, पर रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि भाई जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्वाड पार्टिकल्स, कोलाइडर, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रिलेटेड आए थे। तो मतलब अगर एक लार्जेस्ट एक्सेलरेटर जो चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकता है, वहाँ पे भी क्या करते हैं? द एनालिसिस ऑफ द ट्रैक ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट कोलिजन्स के बाद होता होगा, वहाँ पे भी एक वर्ड आएगा क्या? मोशन, मोशन का एक ही रोल होगा, ठीक है। और भी आगे जा करके, इनफैक्ट अगर हम लोग पूरे साइंस की बात करें, पूरे फिजिकल साइंसेस की बात करें, ठीक है, तो अगर वहाँ से अगर आप देखोगे तो एक जो फैक्ट है कि भाई मैकेनिक्स इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द फिजिकल साइंसेस, इट इज़ द स्टडी ऑफ, इट इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वही यहाँ से आप मैकेनिक्स शुरू करते हैं, तो मैकेनिक्स को हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? काइनेमेटिक्स से शुरू करते हैं। तो मोशन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस से लेकर के कहीं तक भी आगे बढ़ते हैं हम लोग साइंस के हिसाब से, ठीक है। तो अब हमें जो पढ़ना है दैट इज़ काइनेमेटिक्स, और अगर वहाँ से काइनेमेटिक्स को आप डिफाइन करने की कोशिश करो, तो काइनेमेटिक्स इज़ द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। अभी जैसे मैंने बताया मैकेनिक्स क्या है, ये सबसे अगर फिजिकल साइंसेस में देखोगे तो ओल्डेस्ट है ये, ठीक है। तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? इट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद हाउ टू डिस्क्राइब द मोशन, हाउ टू डिस्क्राइब द मोशन। अभी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे, जैसे मैंने क्रिकेट बॉल जो दिखाया था, वहां से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, वो सारी चीजें आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे और उसको एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हमें पढ़ना है काइनेमेटिक्स के अंदर, वो सिर्फ क्या होगा? हाउ टू डिस्क्राइब द मोशन के अराउंड घूम रहा होगा। तो उसके बाद हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे। डायनेमिक्स इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स विच डील्स विद द एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ मोशन, मतलब तब ये देखेंगे कि ये मूवमेंट हुआ क्यों, डिफरेंट समझना। काइनेमेटिक्स में मोशन हो रहा है, कैसे हो रहा है हमें नहीं पता, हमें समझने की जरूरत भी नहीं है, मोशन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करना है कि वो इतना तेज चल रहा है पार्टिकल, इतने टाइम बाद वो रेस्ट पे आ जा रहा है, उसने इतने टाइम इतना डिस्टेंस कवर किया, ये ग्राफ होगा पोजिशन टाइम, ये होगा एक्सलरेशन टाइम, वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि मोशन हो क्यों रहा है, मोशन में एक्सेलरेशन क्यों आया, वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो गई, क्यों डिक्रीज हो गई, वो सब कुछ कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? डायनामिक्स में, ठीक है। तो पहले हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आप ध्यान देते जाइए, आगे सब कुछ समझ आता जाएगा, बस एक पॉजिटिव इंटेंट बनाए रखना हमें, ठीक है। तो देखिए, अभी तक आपने ये समझ लिया कि एक्चुअली मोशन है क्या, ओके, काइनेमेटिक्स क्या है या फिर डायनामिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या है। अब अगर हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं,
तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी समझ बहुत ज़रूरी है. वैसे तो क्लास नाइन्थ या क्लास सेवन्थ से भी शुरू कर लिया होता हमने, बट वो डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जो हमें अभी गेन करना है. तभी हम न्यूमेरिकल एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स में भी परफेक्ट हो पाएंगे उसको सॉल्व करने के हिसाब से भी. ठीक है, तो अगर आप ऐसा देखो तो टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल वी हैव दिस फोर इम्पॉर्टेंट क्वान्टिटीज. ठीक है, द रोल ऑफ पोजिशन, displacement, velocity and acceleration are very important. मतलब ये frequently use होने वाली चीज़ है, इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते. अगर motion की बात करते हैं, अगर kinematics की बात करते हैं, चाहे वो one dimensional motion हो चाहे वो two dimensional motion हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि position, displacement, velocity, acceleration ये सब कुछ सुना हुआ है हमने, vector में सुना हुआ है और class ninth में भी सुना हुआ है. लेकिन अब वो इस तरह से हमें समझना है कि आप इसको आगे किसी भी प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल में या किसी डेरिवेशन में या किसी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स पार्ट में अप्लाई कर पाओ. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद पोजीशन. ठीक है, तो वहाँ से शुरू करते हैं हम लोग. तो देखिए, अगर हम लोग पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन है क्या, तो सबसे पहले एक जो चीज़ है कि देखो आपकी जो कहते हैं ना लाइन ऑफ थिंकिंग है वो एक तरफ अलाइन होनी चाहिए, जो वहाँ से हो कि एक सेंस जनरेट करे कि एक्चुअली ये क्या है, तब आप इसको अप्लाई कर पाओगे, तब फिजिक्स इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फिजिक्स आसान लगेगा आपको. तो हम लोग उसको ऐसा सोच सकते हैं, इट डील्स विद द क्वेश्चन वेयर इज़ द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. इट डील्स विद अ क्वेश्चन वेयर इज़ द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. मतलब किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे पार्टिकल कहाँ है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल, इट इज़ द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इन द स्पेस एट अ सर्टन मोमेंट ऑफ टाइम. किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल कहाँ पे है, ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलता है, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, अब अगर आपने वेक्टर में देखा हुआ है, वेक्टर पढ़ा हुआ है, वेक्टर में आपने पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, ये सारे टर्म्स पढ़े हुए हैं, बट अब उसे हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है. तो अगर हमने ऐसा देखा कि जब भी आप स्पेस में किसी एक पार्टिकल के पोजीशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हो, डिसाइड करने की कोशिश करते हो, तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट की बहुत ज़रूरत होती है, दैट इज़ ओरिजिन, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको कहते हैं आप. ठीक है, तो हमने एक फिक्स्ड पॉइंट लिखा यहाँ पे, दिस इज़ ओ विच इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, और ये x एक्सिस है एंड दिस वन इज y एक्सिस. एक x एक्सिस है, दूसरा क्या है, y एक्सिस है, एंड दिस इज द, ये जो येलो लाइन लिखा हुआ है, इट इज़ द पाथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, इट इज़ द पाथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल. ठीक है, तो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, सपोज जो पार्टिकल है जिसकी पोजीशन लिखने वो a पे है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी सर्टन मोमेंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो जब वो पॉइंट हमने मार्क किया और एक फिक्स्ड पॉइंट है, तुम्हें क्या करना है, इट इज़ नथिंग बट अ वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन, अ फिक्स्ड पॉइंट टू द मूविंग पार्टिकल, अ फिक्स्ड पॉइंट टू द मूविंग पार्टिकल. अब यहाँ पे जो हमने टर्म लिखा हुआ है टू द मूविंग पार्टिकल, ऐसा नहीं कि कोई अगर स्टेशनरी पार्टिकल है तो हम उसका पोजिशन वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, बट ये जो डेफिनेशन है अभी जो पढ़ रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में है, जब हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम किसी एक मूविंग पार्टिकल की बात करें, दैट्स वाई हमने यहाँ पे मूविंग पार्टिकल टर्म लिखा हुआ है. ठीक है, तो पोजिशन वेक्टर क्या है, इट इज़ अ वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन टू द मूविंग पार्टिकल. ठीक है, और ये देखो मूविंग पार्टिकल का ये पाथ हो गया, और एट एनी टाइम जो पार्टिकल की पोजिशन थी वो ये थी, तो हमने क्या किया, वो जो फिक्स पॉइंट जिसको आप ओरिजिन कहते हो वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया और इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, और यही क्या हो गया, पोजिशन वेक्टर. इसी को क्या कहते हैं आप, पोजिशन वेक्टर कहते हैं. ठीक है, अब अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि भाई ये एक्स वाई, मतलब दिस डिस्टेंस इज एक्स, और ये जो है ये क्या है, वाई, मतलब एट दैट सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम जो पार्टिकल का एक्स कॉम्पोनेंट है विच इज एक्स, और जो वाई पे उसकी पोजिशन है वो क्या है, वाई. तो पोजिशन वेक्टर कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप. आई कैप से क्या पता लग रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस पे पोजिशन शो कर रहा है, जे कैप से क्या पता लग रहा है कि y एक्सिस पे पोजीशन शो कर रहा है. तो किसी भी पोजीशन वेक्टर को अगर आप दिखाते हो तो वो इस तरह से दिखा सकते हैं. ठीक है, तो जो सबसे पहला पार्ट, जो चार डिफरेंट, मैंने फोर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट था मोशन को समझने के लिए, उसमें सबसे पहला क्या था, पोजीशन वेक्टर, उसको हमने यहाँ से शुरू किया हुआ है. ठीक है, अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हम लोग ऐड करते जाते हैं. अब अगर देखें कि भाई देखो, ठीक ना,
वन डायमेंशनल मोशन ऑब्वियसली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमने इन जनरल पोजिशन क्या होता है ये डिफाइन करके बताया आपको, लेकिन सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन उसको कैसे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो देखो अगर वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं आप तो सिर्फ एक एक्सिस दिखाने की जरूरत है, लाइक वो एक्स एक्सिस हो सकता है, वो वाई हो सकता है, या फिर वो जेड एक्सिस हो सकता है, या फिर वो जेड एक्सिस हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या देखना, एज यूजुअल जैसा लिखते हैं कि एक ओरिजिन डिफाइन करेंगे, जैसे हमारे पास देखो यहाँ पे दिख रहा है वी हैव टू पार्टिकल्स, अगर हम सिर्फ एक्स की बात करें पी एंड आर, तो पी की जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो एक मोमेंट ऑफ टाइम पे जो पोजिशन है वो पी है यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस लिखा ये एक्स वन लिखा, इट मीन्स ये अगर ओरिजिन है तो तुम्हारा पार्टिकल पी उस टाइम टी पे कहाँ है, एक्स वन पे। एट द सेम मोमेंट मान लो कोई दूसरा पार्टिकल है वो कहाँ पे, आर पे नेगेटिव साइड पे है, तो उसको कैसे दिखाएंगे, माइनस एक्स टू। सिमिलरली जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, जब उसको 1D में कन्वर्ट करेंगे तो वाई एक्सिस हम फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होंगे, तो वाई एक्सिस में बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है कि भाई एक ओरिजिन, ओरिजिन से आपने वाई एक्सिस लिखा तो ये पॉजिटिव, इस तरफ कोई भी जो पार्टिकल होगा उसकी पोजिशन को आप पॉजिटिव में लिखाएंगे तो प्लस वाई वन, अगर वही डाउनवर्ड नेगेटिव में दिखाया तो माइनस वाई टू। यहाँ तक समझ आ रहा है, तो ये प्लस वाई, ये नेगेटिव, सिमिलरली जेड एक्सिस पे हो सकता है पॉजिटिव जेड एंड नेगेटिव जेड। तो एज फार एज द पोजिशन वेक्टर इज कंसर्न, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने देखे। अब एक दो और पॉइंट्स हैं, जब हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन पे जा रहे होंगे, वेरिएबल वेलोसिटी पे जा रहे होंगे, तब कई बार ऐसा लिखा होगा कि पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस मैथमेटिकल एग्रीमेंट, दिस नथिंग बट अ मैथमेटिकल एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड टी, वेर एक्स इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस एंड वट इज टी हियर, इट इज द टाइम, वट इज टी हियर, इट इज द टाइम। तो यहाँ पे आप क्लियरली कह सकते हैं कि एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी। तो अगर थोड़े मैथमेटिकल हो जाओ आप, थोड़ा मैथ्स के लैंग्वेज में लिखना शुरू करो, वैसे हमने वेक्टर में आपको बताया हुआ है कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, अगर मैथ्स आपने ढंग से समझ लिया है कि इसको कैसे यूज़ करना है फिजिक्स में, तो फिजिक्स बहुत आसान हो गया है, ठीक है। फंडामेंटल मैथ सिखा दूंगा, मैथ सिखा दूंगा, मतलब आप पॉजिटिव रहिए तो फिजिक्स बहुत आसान है भाई, काम हो जाएगा हमारा, है ना। तो देखो एक्स इज टू टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस थ्री, ठीक है, मतलब ये एट एनी टाइम टी किसी पार्टिकल की पोजीशन एक्स पे शो कर रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है तो ये ओरिजिन है। अब एक अगर मैंने टी इज इक्वल टू वन पुट कर दिया तो पार्टिकल की पोजीशन हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स, तो भाई टी वन सेकेंड पे कहाँ होगा पार्टिकल, तो टू प्लस वन प्लस थ्री मतलब सिक्स, ठीक है। अगर आप टी टू पे निकालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, टी थ्री पे निकालना चाहते हैं बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल पोजीशन अगर निकालना चाहते हैं तो इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है, जब भी आप बात कर रहे हो कि इनिशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं तो इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है एट टी ज़ीरो, एट टी ज़ीरो, तो टी ज़ीरो पुट करेंगे तो आपको इनिशियल पोजीशन मिल जाएगा। सिमिलरली कहीं पर लिखा हो सकता है कि पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वेयर प्लस टी पावर टू, कुछ भी ऐसा लिखा हो सकता है, मतलब वाई इज द फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली जेड लिखा हो सकता है, जेड इज थ्री टी माइनस एट, दिस इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल ऑन जेड एक्सिस। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू टेन, मतलब ये स्टेशनरी पार्टिकल है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये क्या है, स्टेशनरी पार्टिकल है जिसने भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो पोजिशन वेक्टर, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल से रिलेटेड इतने से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम आगे यूज करेंगे। अब हम लोग मूव करेंगे वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, देन वन डायमेंशनल मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलस यूज़ करते हैं, फिर आप टू डायमेंशनल मोशन में पहुँचते हो जहाँ पे रिवर्स स्विमर या प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर आगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो हर एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा आपको, पॉजिटिव बने रहिए, ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ वी हैव डिस्प्लेसमेंट, इट इज द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी टू डिस्क्राइब द मोशन, ठीक है। तो जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करें, मोशन की बात करें, तो जैसे मैंने अभी पोजीशन बताया, तो जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और इसका बाई फिर डिस्टेंस भी आएगा साथ में ही, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि भाई हमारे जो स्टेटमेंट्स, जो हमारे डेफिनेशन इन टोटैलिटी, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए कि आप इसको अप्लाई कर पाओ, एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वहाँ से सब कुछ आसान होगा, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इट इज़ नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट,
बहुत सिंपल तरीके से सोचना है कि इट इज़ द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, वो सब कुछ डिफाइन करेंगे हम लोग. लेकिन जो की पॉइंट है, जो ट्रिगर करेगा कि एक्चुअली क्या है, वो जो कह सकते हो ना कि एक सेंस डेवलप करे अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो फिर से वेक्टर फॉर्म है. तो सपोज ये पाथ ऑफ द पार्टिकल, ये जो येलो लाइन दिख रहा है आपको, ये पाथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल है, ठीक है. अब वो इस तरह से ऐसा मूव कर रहा था. अब मान लो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, लाइक एट टी वन, पार्टिकल वॉज एट ए और ये मूव करता गया अलॉन्ग दिस येलो लाइन, मूव करता हुआ, देखो कर्व लाइन है ये. फाइनली ये बी पे पहुंचता है एट एनी टाइम टी टू. एट एनी टाइम टी टू पार्टिकल बी पे पहुंच रहा है. तो आपने पोजिशन वेक्टर पढ़ लिया हुआ है. तो जब ए पे था वो, तो उसकी पोजिशन कुछ होगी, उसको हमने आर इनिशियल दिखा दिया, आर आई लिख दिया. फाइनली वही पार्टिकल इस पाथ पे मूव करता हुआ बी पे पहुंचता है एट सम अनदर मोमेंट ऑफ टाइम, दैट इज टी टू. तो उस मोमेंट पे भी हमारे पास एक पोजिशन वेक्टर होगा, दैट इज आर फाइनल. तो इट इज़ द आर इनिशियल एंड दिस वॉज इज द आर फाइनल. तो मतलब ये डिफरेंट पोजिशन शो कर रहा है एट डिफरेंट टाइम. तो यहाँ से जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब चेंज इन पोजीशन, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. तो उसको वेक्टर के तरीके से कैसे लिखते हैं, जो स्ट्रेट तरीका है, इट इज़ द वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टू द फाइनल पोजीशन ड्यूरिंग वन ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम. तो जो इंटरवल ऑफ टाइम है इट इज़ टी टू माइनस टी वन. अगर इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें तो टी टू माइनस टी वन है. अब इसको लॉजिकली भी सोचते हैं कि अगर मान लो कि भाई आप अगर ऐसा चलते जो क्लास नाइन्थ से हमने पढ़ा हुआ है, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर के इस तरफ मुड़ जाते 90 डिग्री पे. अब अगर आपसे कोई पूछता कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहते यार यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये ऐसा जो अभी तक आपके चयन में थी एक बात, ऐसा ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होता. तो आपने क्या किया, इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर. एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे करना है कि इट इज़ द इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज़ द फाइनल पोजिशन. आप इनिशियल और फाइनल को जो रेड लाइन से यहाँ पे देखो कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको एस से लिखा हुआ है, ठीक है. अब अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे जाओ, तो फर्स्ट का हेड दूसरे के टेल से मिल रहा है, ठीक है. तो दिस प्लस दिस, मतलब रिजल्टेंट ऑफ दीज टू शुड बी इक्वल टू आर फाइनल. अब देखो ना, ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये 2D में वैलिड है, 2D में यूज़ करना है, बट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो ये R इनिशियल, फिर ये ऐसा वेक्टर दिख रहा है विच इज़ डिस्प्लेसमेंट, और एक ऐसा दिख रहा है विच इज़ फाइनल वेक्टर, ऐसा, ठीक है. तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो दिस प्लस दिस, मतलब रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, ये R होना चाहिए, जैसा आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा ये A लिखा था हमने, ये B होगा वेक्टर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा. मतलब इन दिस सिचुएशन वी कैन राइट आर फाइनल शुड बी इक्वल टू आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट. फ्रॉम हियर विल हैव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ऐसा ही बिल्कुल लिखा हमने. तो जो स्टैंडर्ड जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का, इट इज़ द वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल टू इट्स फाइनल पोजिशन ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम. वो क्यों लिखा है समझ आ रहा है, तो यहाँ तक लिख दिया हमने. तो एज फार एज द टू डायमेंशनल मोशन इज कंसर्न, तो ये तरीका बिल्कुल सही है कि देखो x और y दोनों चीज़ें बदल रही थी, x भी बदला y भी बदला और फाइनली यहाँ पहुँच गए. तो x पे भी डिस्प्लेसमेंट है, y पे भी डिस्प्लेसमेंट है, तो फाइनली हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है. तो इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो देना है टू डायमेंशनल मोशन में देंगे, अभी हमें वन डायमेंशनल मोशन पढ़ना, बट एक आइडिया चाहिए था कि कैसे शुरू करना है, तो वो यहाँ तक समझ आए आपको, ठीक है. अब अगर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अभी देखते हैं कि 2D में कैसे लिखेंगे आप. 2D में लिख लिया, 1D में कैसे लिखेंगे. वन डायमेंशन बहुत ईजी हो जाएगा कि भाई अगर आपने एक पार्टिकल की पोजिशन ए पे दिखाई हुई है, ठीक है, एट एनी टाइम टी वन, और यही टी टू पे बी पे पहुँच गया, तो क्लियरली ओरिजिन से लिखते हैं पोजिशन. तो शुरू में जो आपने पोजिशन लिखी थी ये एक्स आई लिख दिया, एक्स इनिशियल, और इस टाइम ट्यूब पे ये क्या हो गया, एक्स फाइनल. तो एक्स फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखता हूँ तो ये क्या होना चाहिए, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है.
यहाँ तक समझ आ रहा है? मतलब आप इसको एप्लीकेशन के पार्ट पे देखो तो एक्चुअली ये वेक्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं. आप देखते जाओ, हर एक पॉइंट समझ आएगा आपको. कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो ये ऐसा होता, ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है पार्टिकल का वो चला हुआ है, दिस इज ओरिजिन, एट एनी टाइम टी पार्टिकल 8 मीटर पे है, और वो फिर थोड़े टाइम बाद 20 मीटर पे पहुंच गया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? बस ये तो 20 - 8 12 मीटर, ये लिख दोगे. तो यहां तक समझ आ रहा है? तो 1D में कैसे लिखना है ये पता लग गया. अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि भाई अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट हमने देख लिया कैसे लिखते हैं, तो अगर ये लिखा जाए कि भाई मान लो कि एक्स इज 2t² + 4, पोजिशन वैक्टर को ऐसा भी तो दिखा सकते हैं. पोजिशन वेक्टर को ऐसा भी दिखा सकते हैं कि पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस मैथमेटिकल एक्विपमेंट, वेयर टी इज टाइम, एक्स इज द पोजिशन ऑन एक्स एक्सिस. फाइन, अब अगर इसमें क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, आपसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम इंटरवल, फॉर टाइम इंटरवल 1, 2, 3 सेकेंड्स, अगर ये क्वेश्चन है तो बेसिक फंडा वही यूज करना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वुड बी द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स एट 3 कैलकुलेट करूंगा, पोजीशन एट 3 सेकंड्स, इट वुड बी 2 × टाइम के प्लेस पे 3 वैल्यू पुट कर दिया, 3² + 4, ये कितना आ जाएगा, 9 × 2 = 18 + 4, इट इज 22. इट मींस एट 3 सेकंड द पार्टिकल, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज x3 विच इज 22 मीटर. मतलब ऐसा यहाँ जो आपने x फाइनल लिखा है, इट इज नथिंग बट द 22 मीटर. ठीक है, एट द सेम टाइम हमें अब इनिशियल पोजिशन निकालना चाहिए, तो x इनिशियल मतलब x एट 1, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के लिए आपसे पूछा गया 1, 2, 3 सेकेंड्स के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकेंड देखोगे इट वुड बी 2 × 1² + 4, तो कितना आएगा, 2 + 4 = 6 मीटर. तो इनिशियली जो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो ये 1 सेकंड तुम्हारा इनिशियल हुआ, 3 सेकंड फाइनल हो गया. अगर किसी ने पूछा होता फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 5 सेकंड, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 0 इनिशियल और 5 फाइनल होता. ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इनिशियल कितना हो गया, 6, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 22 - 6, तो कितना आ जाएगा, 16 मीटर. ठीक है, तो किस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, यहां तक समझ आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपल है, चेंज इन पोजिशन. ठीक है, इफ द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग विद द टाइम, तो किसी टाइम इंटरवल के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है. नहीं भी मिल सकता है कहने का मतलब कि अगर एक पार्टिकल अपने पोजिशन को चेंज कर रहा है, मतलब एक बॉल को अपने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, अभी ऊपर जाएगा, यस डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग, डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग विदाउट द पोजिशन चेंज हो रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन जब वो वापस आके तुम्हारे हाथ में पहुंच जाता है तो टोटल चेंज इन पोजिशन वुड बी 0. आगे ऐसे सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है, तो यहां तक समझ आ रहे हैं? अब हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं. इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. अब देखो, ऐसे स्टेटमेंट लिखना बहुत बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कुछ तो नहीं देता, बट समझना पड़ेगा हमें कि किस तरह से. तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, वहां से समझ आए कि एक्चुअली स्केलर क्या हो गया, ये कैसे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो एक सेंस डेवलप करना पड़ेगा अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पे क्या है, यहां मैं चेंज इन पोजिशन की बात ही नहीं कर रहा हूं. What is distance? It is the length of the actual path. It is the length of the actual path. अब इसको आप ऐसा सोचो भाई, it is different from displacement. ये कैसे लेके, सबसे पहले तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंट है, as displacement is a vector quantity and it is the shortest distance between initial and final position. आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा कि भाई मान लो कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ये सर्कल, ठीक है. अब इसमें देखिएगा कि सर्कुलर पाथ पे कोई ए से चलना शुरू करता है, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग ऑन दिस सर्कुलर पाथ फ्रॉम ए विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो डेफिनेटली वो ऐसा चलता जाएगा, इस पाथ पे ऐसा ट्रैवल कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, ट्रैवल करता हुआ वो ये फाइनली यहाँ पहुँचा. डेफिनेटली मैं 2D का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट 1D में भी मैं अभी सिखाता हूँ आपको, बट देखना, यहां से चला और फाइनली वो बिल्कुल डायमीटर के जस्ट ऑपोजिट एंड पे पहुंच जाता है, तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन इज फाइनल पोजीशन. एज फार एज द डिस्प्लेसमेंट इज कंसर्न, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे,
इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. तो ए इनिशियल और ये बी क्या है, फाइनल पोजिशन है. तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो ये आना चाहिए. अगर हम लोग ये बता रहे हैं कि सपोज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर, तो फॉर दिस एग्जाम्पल आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख दोगे. फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट 2r होना चाहिए. फिर r इज़ द रेडियस. इफ r इज़ द रेडियस, तो अगर आप यहाँ से देखते हो तो ऐसा लिख दिया. तो अगर r रेडियस है तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. तो यहाँ से देखो r प्लस r 2r हो गया. और इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी, डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. जब भी आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हो तो इसके लिए आपको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अब इसके अगर डायरेक्शन की बात करेंगे आप, तो आपको याद क्या रखना चाहिए, बहुत सिंपल फंडा कि फ्रॉम इनिशियल, इनिशियल से शुरू करना है टूवर्ड फाइनल, मतलब टू फाइनल, मतलब ऐसा इनिशियल से एरो शुरू करना है और फाइनल की तरफ दिखाना ऐसा. तो देखो यहां पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करी तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, और उसका एक डायरेक्शन भी आ गया, ठीक है. लेकिन फॉर द सेम मूवमेंट, फॉर द सेम मोशन, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिए क्या कहता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. तो मतलब एक्चुअल पाथ इसका ये है, अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल पाथ ये है. तो ये जो पाथ हुआ, इस पाथ की लेंथ बतानी है आपको, और वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है. तो देखो अगर इसके पाथ की बात करें तो ये पाथ हो गया, इसका पाथ हुआ, और इसके लेंथ की बात करें तो ये कितना होगा, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, तो 2πr डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा, पाई आर. इट इज़ द डिस्टेंस, इसका कोई डायरेक्शन नहीं लिखना, इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी. ये इस एक्चुअल पाथ के लेंथ को शो कर रहा है. यहाँ तक समझ आ रहा है. तो देखो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस बिल्कुल समझ आना चाहिए. अब एट द सेम टाइम अगर आपसे एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि भाई सपोज एक पार्टिकल को वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर दिया हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विथ सम वेलोसिटी, ठीक है. और वो ये अज्यूम कर लो कि वो यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया और वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट एच तक पहुँचता है. दिस इज द मैक्सिमम हाइट यहाँ तक, ये ठीक है. तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो अब देखो फॉर दिस मोशन, फॉर द दिस पार्ट ऑफ द मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक जैसा आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और वही एक्चुअल पाथ का लेंथ भी है. बट डिफरेंस सिर्फ ये रहेगा, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं लिखोगे, बट डिस्प्लेसमेंट का यस डायरेक्शन होगा, और वो किधर होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है. लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि पार्टिकल ऊपर तक गया फिर फाइनली वो नीचे आ गया, बात समझ आ रहा है. मतलब अगर पार्टिकल के मूवमेंट की बात करोगे तो उसने यू टर्न लिया, पहले ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, और जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए. ऐसा बहुत सारे ऐसे सिचुएशन मिलेंगे जब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे. तो जैसे वो अपनी पोजीशन पे पहुंच गया तो आप जब डिस्प्लेसमेंट लिखोगे इट वुड बी ज़ीरो, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ज़ीरो. क्यों, बिकॉज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बिकम्स ज़ीरो, ठीक है. अब देखो चेंज इन, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहला जो बेसिक डेफिनेशन मैंने एक पॉइंट जो लिखा, इट इज़ द चेंज इन पोजीशन. तो जहाँ से तुम चले वहीं पहुँच गए, तो देर इज नो चेंज इन इट्स पोजीशन, इसलिए क्या रह गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. एज फार एज द डिस्टेंस इज कंसर्न, तो इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. तो पहले तुम ऊपर तक गए, मतलब एच डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये एच लेंथ इस पथ का हो गया, इस पाथ का लेंथ एच हुआ. फिर वापस जब आए तो फिर वापस एच, तो एच प्लस एच जब करोगे तो 2h हो जाएगा. तो अगर आप यहां पे डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2h. समझ आ रहा है, डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना हो गया, 2h. तो अभी तक के इस लेक्चर में आपने मोशन क्या है ये समझ लिया, एक्चुअली मोशन क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या है, व्हाट इज द डायनामिक्स, मैकेनिक्स, ये सारे पॉइंट समझ आए. देन मोशन के लिए जो चार वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, दैट इज पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर एंड एक्सेलरेशन, उसमें से दो चीजें पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट, पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डिस्टेंस, जो बिल्कुल एक जैसा दिखता है, सोचते हैं यूनिट जैसा होता है, बट बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटी है. तो वहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत आपके दिमाग में आई है. देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, तब वहाँ पर जा करके पोजिशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे होंगे.
ठीक है, तो आप बस पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में इसको समझने की कोशिश करिए। यकीन रखिए फिजिक्स बहुत आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।